बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशीले पदार्थों के सेवन, बिक्री और खरीद के आरोप में एक लग्जरी क्रूज लाइनर पर एक रेव पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया। एक लग्जरी क्रूज लाइनर पर सवार होकर आर्यन और सात अन्य युवकों को एनसीबी ने हिरासत में लिया और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में आर्यन और दो अन्य मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया था और तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच एस्प्लेनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। रविवार की देर रात और एक दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। वकील ने मीडिया कर्मियों को बताया, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को आज फिर से अदालत के सामने पेश किया जाएगा। यहां तक कि आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे सहित उनकी कानूनी टीम सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी की कार्रवाई को चुनौती देने की योजना बना रही है। अन्य जो एनसीबी की हिरासत में रहे उनमें नुपुर सतीजा, इश्मित सिंह चड्डा, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर और गौमित चोपड़ा को बाद में गिरफ्तार किया गया। रिमांड के लिए उनका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले एनसीबी के अधीक्षक वीपी सिंह ने अपनी गिरफ्तारी ज्ञापन में कहा था कि आर्यन खान को अन्य ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों के साथ नशे की खपत, बिक्री और खरीद में शामिल के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा रहा था। गिरफ्तारी उनके पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएम की 22 गोलियां जब्त करने के सिलसिले में की गई थी, जिसकी कीमत उसके पास से कुल 1,33,000 रुपए की थी। 23 वर्षीय आर्यन खान ने स्वीकार किया और कहा कि वह अपनी गिरफ्तारी के कारणों को समझते हैं और उन्होंने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी है। स्टार बेटे और अन्य को एनसीबी ने सुबह से ही हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई शनिवार शाम को कार्डिलिया क्रूज डिलेक्स जहाज पर एनसीबी के छापा मारने के बाद हुई। जहाज मुंबई से गोवा जाने को था। इस घटना ने लोगों को, खासकर मनोरंजन जगत को, चौंका दिया है। इस सब के बाद रविवार की देर रात सुपरस्टार सलमान खान भी अपने दोस्त शाहरुख खान की मुश्किल घड़ी में उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। पेपराजी ने देर रात सलमान को शाहरुख के घर के बाहर स्पॉट किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सलमान कार में बैठकर शाहरुख खान के बंगले मन्नत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सलमान का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सलमान के अलावा भी कई सेलेब्स सोशल मीडिया पर आर्यन के पक्ष में उतरे हैं। INS रिपोर्ट।